है BPHW वर्सेस TRTW, बर्मिंघम फोनिक्स वोमेंस वर्सेस ट्रेंट रॉकेट वोमेंस, द 100 वोमेंस का ये जो है मैच नंबर 28 है जो कि शाम को 7:30 पे स्टार्ट होगा। तो टाइमिंग का स्पेशली ध्यान रखिएगा, टाइमिंग जो है 7:30 पे रहने वाली है। BPHW वर्सेस TRTW के बीच में ये मैच होगा जिसकी फुल स्टैट्स इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम देने वाले हैं, यानी कि पिच रिपोर्ट की आपको डीपली एनालिसिस देखने के लिए मिलेगी, हेड टू हेड के रिकॉर्ड्स बताएंगे, वेन्यू रिकॉर्ड्स आपको बताएंगे और जो है यहाँ पर आपको प्लेयर के स्टैट्स की जो है पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो मेरे भाई वीडियो को पूरा देखना और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। पहले वीडियो आप लोग पूरा देख लो, उसके बाद ही आप लोग लाइक करना अगर जो है आपको लगता हो कि हमने जो है मेहनत करी है इस वीडियो को बनाने के लिए। डायरेक्टली अब जो है मैच के बारे में बात करते हैं, BPHW वर्सेस ट्रेंट रॉकेट्स वोमेंस मैच नंबर 28 शाम को 7:30 पे इजी बेस्टम बर्मिंघम के वेन्यू पे ये मैच होगा। यहाँ की अगर मैं पिच रिपोर्ट की बात करूं तो यहाँ की पिच जनरली अगर आप देखोगे अच्छी जो है बॉल के लिए जानी जाती है, स्पेशली सेकेंड इनिंग में बहुत अच्छी बॉल यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है, विकेट्स गिरते हैं, न्यू बॉल के भी साथ में यहाँ पर जो है बैटर्स थोड़ा सा जो है परेशान होते हैं। जो भी टीम यहाँ पर टॉस विन करेगी वो बैट फर्स्ट करना जो है प्रेफर करेगी, ध्यान रखिएगा फास्ट बॉलर को जो है एडवांटेज जाएगा, तो अपनी टीम में आप जो है फास्ट बॉलर्स भर भर के जो है लेके जा सकते हो और उनको जो है आप CVC भी कर सकते हो फास्ट बॉलर्स को। गाइज अब बात करते हैं वेन्यू स्टैट्स की, इस वेन्यू पे अगर आप देखोगे टोटल द 100 वोमेंस के 12 मैचेस हुए हैं, 8 बार बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किया है, 4 बार बैट सेकंड करने वाली टीम ने विन किया है। एवरेज स्कोर 140 रन है, हाईएस्ट स्कोर अगर आप देखोगे 172 का है, लोवेस्ट स्कोर अगर आप देखोगे 115 रन का है। अब 12 मैचेस में अगर आप देखोगे ना तो भाई 150 रन से नीचे का स्कोर 10 मैचेस में बना है और दो बार 150 से 170 रन के बीच में स्कोर बना है। एक चीज और भी यहां पर अगर आप देखोगे ना भाई तो यहां पर आप देख सकते हो कि विकेट्स जो है विकेट्स कितने गिरते हैं। आप यहां पर लास्ट जो 5 मैचेस खेले गए हैं उसमें अगर आप नोटिस करो तो 15 विकेट इस मैच में गिरी है, इस मैच में 17 विकेट, इस मैच में 15 विकेट, इस मैच में जो है 11 विकेट और इस मैच में 11 विकेट। लास्ट के जो 2 मैचेस हैं जो कि इस सीजन खेले गए हैं, इन 2 मैचेस को जो है आप यहां पर डीपली एनालिसिस करो, ये जो है आपके काम की चीज है। 15 विकेट और 17 विकेट यानी कि विकेट्स काफी गिर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे ज्यादा रन नहीं बना है, 115 रन बना यहां पर मात्र 54 रन पे सामने वाली टीम पूरी ऑल आउट हो गई। यहां पर भी अगर आप देखोगे 121 रन पे पूरी सामने वाली टीम ऑल आउट हो गई, यहां पर भी मुश्किल से 137 रन बने। BPH की टीम ने यहां पर अगर आप देखोगे 2 मैचेस खेले हैं, ये वाला और ये वाला, दोनों मैचेस में BPH की टीम अगर आप देखोगे 1 बार विन की है और 1 बार जो है लॉस की है। तो BPH की टीम को यहां पर खेलने का एक्सपीरियंस है और BPH का ही आज मैच भी है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो यहां पर रन जो है काफी कम बने हैं और बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने लास्ट के यहां पर 5 मैच जो है विन किए हैं। तो यहां पर सेकंड इनिंग में जो है विकेट्स अच्छे गिरते हैं, यहां पर जो है रन कम बनते हैं, फास्ट बॉलर्स को एडवांटेज रहता है, ये सारी चीजें जो है ध्यान रखने वाली चीज है। स्टैट्स और रिकॉर्ड्स कभी कभी भाई गाइस काम आते हैं, ग्रैंड लीग में तो आपको हमेशा काम आएंगे। अब बात करते हैं यहां पर जो है, ये तो हो गए भाई जो है वेन्यू स्टेट्स, 2 बार लिख दिया गया है तो इसको जो है इग्नोर कर देना। अब हम बात करते हैं यहां पर जो है हेड टू हेड के रिकॉर्ड की, तो हेड टू हेड के रिकॉर्ड में अगर आप देखोगे टोटल जो है 5 मैचेस हुए हैं इन दोनों ही टीम के बीच में। BPH की टीम ने जो है 3 बार विन किया है और 2 बार TRT की टीम ने विन किया है, तो यहां पर भी BPH की टीम जो है थोड़ा सा ऑन पेपर अच्छा निकल के आ रही है। रिसेंट फॉर्म में आपको हम बताएंगे पूरी कहानी। लास्ट अगर आप इनका मैच देखोगे BPH की टीम ने जो है 3 रन से जो है मैच विन किया था, ये मैच जो है नॉटिंघम के वेन्यू पे हुआ था। यहां पर अगर आप देखोगे दोनों ही टीम ने लगभग इक्वल परफॉर्म करी थी लेकिन BPH के कम जो विकेट्स गिरे थे। उसके पहले अगर आप देखोगे TRT की टीम ने जो है विन किया था, फिर BPH की टीम ने, BPH की टीम ने और ये TRT की टीम ने। लास्ट 5 मैच की आप यहाँ पर जो है हेड टू हेड के जो है ब्रीफ स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं असली कहानी की। असली कहानी में अगर आप आओगे रियल स्टोरी में, तो रियल में ये है कि दोनों ही टीम इस सीजन बहुत बेकार खेल रही है। 6-6 मैच दोनों ही टीम ने खेला है, 3-3 मैच जो है विन किया है, 3-3 मैच लॉस किया है। तो दोनों ही टीम लगभग जो है सिमिलरिटी यहां पर आप देख सकते हो। इसमें अगर आप देखोगे BPH की टीम जो है 7वें पोजीशन पे है और TRT की टीम 6ठवें पोजीशन पे है। जो भी टीम आज जो है विन करेगी उसके जो है 8 पॉइंट यहाँ पे हो जाएंगे, और क्योंकि अभी जो है 6-6 पॉइंट है और एक पायदान जो है वो टीम ऊपर जा सकती है। लास्ट 5 मैच आप BPH के और TRT के यहाँ पर देख सकते हो, दोनों ही टीम अपना लास्ट वाला मैच यार विन करके आ रही है। TRT तो अपने बैक टू बैक जो है 2 मैचेस विन करके आ रही है, और अगर आप देखोगे तो इन्होंने लास्ट के 3 मैचेस में बैट फर्स्ट किया हुआ है और बैट फर्स्ट करते हुए 150 प्लस जो है स्कोर किया है।
जबकि अगर आप देखोगे बीपीएच की टीम जो है ज्यादा स्कोर नहीं कर पाती है। लास्ट मैच में भी जो है इन्होंने 128 किया था। यहां पर भी देखोगे ये जो है इसी वेन्यू पर मैच हुआ था, ये दोनों मैच जो है इसी वेन्यू के हैं। यहां पर जो है रन इन्होंने कम बनाए हुए हैं। टीआरटी के अगेंस्ट भी जो मैच खेला था उसमें भी अगर आप देखोगे बैट फर्स्ट करते हुए 139 रन ही ये टीम कर पाई थी। तो बीपीएच की टीम जो है ज्यादा अच्छा बैट नहीं कर पाती है, ये चीज आपको जो है ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं यहां पर जो है प्लेइंग 11 की। सबसे पहले बीपीएच यानी कि बर्मिंघम फोनिक्स की जो है प्लेइंग 11 देखते हैं। सोफी डिवाइन के साथ में जो है एस कैलिस ओपन करते हुए नजर आएंगी। वन डाउन पे अलीशा पैरी है, उसके बाद एमी जोन्स है, रिचा घोष है, उसके बाद जो है सरीन स्मेल है, फिर फरा विल्सन है, ई एरलोट है, सी पवेल है, हैना बेकर है, कैटी लेविक है और यहाँ पे जो है ग्रेस बैलिंगर है। बीपीएच टीम की ये प्लेइंग 11 है। टीआरटी टीम की अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूं, ब्रॉनी स्मिथ के साथ में जो है जी स्क्रीविंस ओपन करते हुए नजर आएंगी। वन डाउन पे एन वरत है, उसके बाद नेट स्क्योर ब्रंट है, अलीशा गार्डनर है, हीटर ग्राम है, अलाना किंग है, क्रिस्टी जॉर्ज है, सॉरी कैटी जॉर्ज है, जी ग्रोब्स है, ए स्टोन हाउस है और यहाँ पे जो है क्रिस्टी जॉर्डन है। तो ये टीआरटी टीम की प्लेइंग 11 है। दोनों में से टीम में से अगर मैं बात करूं कि फेवरेट टीम कौन सी रहने वाली है, देखो यार वन मैन आर्मी सोफी डिवाइन और अलीशा पैरी तो भाई इस टीम के पास में है, तो ये जो है वन साइडेड भी मैच विन कर सकती है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे नेट स्क्योर ब्रंट और अलीशा गार्डनर इधर है टीआरटी की टीम में, तो ये जो है 50-50 का सिनेरियो रहने वाला है। आप नहीं बोल सकते कि कौन सी टीम जो है किस पर भारी पड़ेगी। हालांकि अगर आप देखा जाए रिसेंट फॉर्म देखा जाए और दोनों ही टीम की कंडीशन देखी जाए तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि भाई बीपीएस की टीम बॉलिंग से काफी अच्छी स्ट्रांग है और टीआरटी की टीम के पास जो है अच्छी बैट हमें लाइनअप देखने के लिए मिलती है। हालांकि इनकी जो है बैटिंग भी लगभग फ्लॉप चल रही है। अब अगर बात की जाए यहां पर प्लेयर की परफॉर्मेंस की, सोफी डिवाइन अगर आप देखोगे लास्ट के दोनों मैचेस से विकेट लेके जा रही हैं और 20 प्लस जो है रन भी कर रही हैं। हेड टू हेड के तीन मैचेस में 61 रन है, 4 की एवरेज है, बहुत ही पुअर आप बोल सकते हो, और जो है 200 का स्ट्राइक रेट है जो कि अच्छा है भाई, अच्छा बोल सकते हो क्योंकि जो है स्ट्राइक रेट जो है 200 का है, ये 40 का होगा आई थिंक या 20 का होगा, 61 रन यानी कि 20 का एवरेज होगा इनका। और वेन्यू पर भी आप इनके रिकॉर्ड देख सकते हो जो कि डिसेंट है। स्कैलिस ने लास्ट मैच में भाई 55 किया, यहां पर भी 48 किया है नोट आउट, तो कभी कभी स्कोर कर रही हैं। अलीशा पैरी लास्ट मैच में 2 विकेट, यहां पर 2 विकेट, यहां पर 3 विकेट, तो देख सकते हो अलीशा पैरी हर मैच में जो है परफॉर्म कर रही है, बेस्ट परफॉर्म कर रही है। सीवीसी के लिए बहुत बढ़िया आपको ऑप्शन मिलती है। और अगर आप वेन्यू पर देखोगे ना, वेन्यू पर जो है बहुत अच्छा इनका रिकॉर्ड है। एमी जोन्स लगातार 2 मैचेस में फ्लॉप हुई है, इस मैच में अगर बैट आए ना झंडे गाड़ सकती है। रिचा घोष भी 3 मैचेस में फ्लॉप रही है, इस मैच में अगर मौका मिले तो भाई झंडे गाड़ सकती है। ध्यान रखिएगा दोनों जो है विकेट कीपिंग सेक्शन में मिलेंगी और दोनों जो है काफी खतरनाक जो है बैटर है। इसके अलावा ई और लोड भी जो है हर मैच में विकेट लेके जा रही है। आप देख सकते हो कि भाई अच्छी विकेट्स निकाल रही है, सिर्फ 1 मैच में फ्लॉप हुई है, बाकी हर मैच में 2-2 विकेट लेके जा रही है, तो अच्छा कर रही है। बाकी यहाँ पे सी पवेल को भी जो है 1-1 विकेट 2-2 विकेट मिल रहा है, तो अच्छा ये भी कर रही है। इसके अलावा एच बेकर बेकार है, कैटी लेविक का थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म कभी कभी चली जाती है, लेकिन अच्छी ऑप्शन है भाई, हर मैच में विकेट ये भी लेके जाती है, ध्यान रखिएगा। प्लेयर के स्टैट्स हो गए। लास्ट मैच की अगर आप देखोगे बीपीएच की हमने जो है बॉलिंग डिटेल्स भी यहां पर दी हुई है, किसने कितनी बॉल डाली है वो आप देख सकते हो। सोफी डिवाइन ने मात्र 5 बॉल डाली थी, हैना बेकर ने जो है 15 बॉल डाली थी, बाकी सबने जो है 20-20 बॉल डाली थी। अलीशा पैरी ने गाइस क्या कमाल की जो है बॉलिंग कराई थी लास्ट मैच में, 20 बॉले कराई थी जिसमें जो है 17 डॉट बॉले थी भाई, 20 बॉल में 17 डॉट बॉले कराई थी, क्या गजब का जो है बॉलिंग कराया था, 2 विकेट भी लेकर गई थी, अपनी टीम को जो है इन्होंने विन दिलवाया था। टीआरटी की अगर हम बात करें तो ब्रॉनी स्मिथ जो कि बॉलिंग कर लेती हैं, लेकिन ये डिसएडवांटेज अभी ये है कि भाई एक तो जो है बैट से भी फ्लॉप हो रही है, दूसरा बॉलिंग नहीं कर रही है, इग्नोर करके जा सकते हो। जी स्क्रेविंस कुछ मैचेस में इन्होंने अच्छा किया हुआ है, लेकिन दोनों ही टॉप ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो जल्दी इनके आउट होने के चांसेस हैं। इसके अलावा एन बरत विकेट कीपिंग में इग्नोर करके आप जा सकते हो क्योंकि एमी जोन्स और रिचा घोष 2 अच्छी ऑप्शंस आपको मिलती है। नेट स्क्योर ब्रंट भाई वन मैन आर्मी बन के काम कर रही है, 60 रन 21 रन 37 रन 59 रन 56 रन 56 रन, तो हर मैच में जो है इन्होंने बैट से जो है अच्छा परफॉर्म किया है। बॉलिंग में अगर आप देखोगे थोड़ा थोड़ा किसी किसी मैच में फ्लॉप रही है, जैसे कि ये वाला मैच चार मैचेस में जो है विकेट लेस रही है, लेकिन कुछ मैचेस में विकेट भी मिले हैं, ये भी चीज आपको ध्यान में देनी चाहिए। और जिस दिन विकेट मिल रहे हैं भाई 2-2 विकेट मिल रहे हैं, अच्छी ऑप्शन रहने वाली है। गार्डनर भी अच्छी ऑप्शन है भाई, बैट बॉल दोनों कर लेती है, दोनों के बारे में नो डाउट आपको जो है जरूर से अपनी टीम में रखना चाहिए। अलाना किंग लास्ट मैच में विकेट लेस गई, जिस दिन विकेट ले रही है भाई 3-3 विकेट लेके जा रही है, ये भी आप देख सकते हो अच्छी ऑप्शन है। टीआरटी की हम लास्ट मैच की बॉलिंग देखते हैं, ये इनकी लास्ट मैच की बॉलिंग है। 2 विकेट एस्टन हाउस को मिला, 1 विकेट गार्डनर को मिला और 1 विकेट जो है हीटर ग्राम को मिला था। ये लास्ट मैच की जो है इनकी बॉलिंग है।
टॉपिक्स की बात करते हैं, टॉपिक्स यानी की प्लेयर, इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन कौन सी रहेंगी जो आपको अपनी टीम में रखनी चाहिए। नेटस्केवर ब्रंट, अलीशा पेरी, हीटर ग्राम, अलीशा गार्डनर, सोफी डिवाइन, अलाना किंग, जी स्क्रीविंस और एमी एरलोट। ये बढ़िया बढ़िया आपको मैंने 8 प्लेयर जो बताई है ना अपनी टीम में रखना मेरे भाई, मोस्ट ऑफ द लोग जो है इनको लेके आएंगे। लगभग लगभग जो है इन सभी प्लेयर्स को 95% जो है आपके ओपोनेंट लेके आने ही वाले हैं। तो आप अगर जो है इनको नहीं रखोगे, कोई भी एक अगर इनमें से चल गया तो आपकी टीम फिर जो है लॉस में जा सकती है, इसलिए इन प्लेयर्स को जरूर से रखिएगा। स्मॉल लीग में सीवीसी अगर आप जा रहे हैं, नेटस्केवर ब्रंट और अलीशा पेरी, ये दो वन ऑफ द बेस्ट आपको ऑप्शन मिलती है। यूनिवर्सल सीवीसी यानी कि जो है सबकी लगभग लगभग सीवीसी, कुछ अलग करना चाहते हो हीटर ग्राइम, अलीशा गार्डनर और सोफी डिवाइन के भी साथ में जा सकते हो। ग्रैंड लीग में वैसे हमने सोफी डिवाइन को रखा हुआ है, अलाना किंग को रखा है जो कि गुच्छों में विकेट लेती है, जी स्क्रीविंस जो कि अच्छा बैट कर रही है किसी किसी मैच में, और ई एयरलोड जो कि इस सीजन काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये चार मेरी जो है डिफरेंशियल सीबीसी की ऑप्शन है जो कि ग्रैंड लीग के लिए रहने वाली है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे ना तो भाई हमने जो है बर्मिंघम फोनिक्स वोमेंस की पूरी फुल स्क्वाड डिटेल और ट्रेंट रॉकेट वोमेंस की पूरी फुल स्क्वाड डिटेल, तो दोनों ही टीम की यहां पर हमने स्क्वाड डिटेल भी शेयर की हुई है। गाइज एक काम और भी कर देना यार, ये आपके लिए है कि भाई टेलीग्राम का चैनल अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो आपको वहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टीम मिलती है, और इसकी लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करिएगा, और मेरे भाई वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी आप लोग जो है जरूर से कर दें। टेलीग्राम पर आपको जो है फाइनल अपडेट्स देखने के लिए मिलती हैं, और टेलीग्राम आप लोग जो है जरूर से ज्वाइन करिएगा। चलिए ड्रीम 11 पे चलेंगे, जहां पे हम अपने 3 मेंबर और 4 मेंबर की जो है टीम रेडी करेंगे। और गाइज इतनी सारी मेहनत करी है, अगर आपको मेहनत अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करो। विकेट कीपिंग सेक्शन में शुरुआत करते हैं, एमी जोन्स, रिचा घोष, एन वरत और जो है एस स्मिल। अब देखो यार ऑप्शंस काफी सारी है, इसमें अगर मैं बात करूं रिचा घोष मुझे बहुत ही जो है टैलेंटेड और जो है अच्छी बैटर लगती है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है, लास्ट के 3 मैचेस में फ्लॉप हुई है, इस मैच में चलने के हाई चांसेस है, और अगर बैट फर्स्ट आई तो मैं 100% जो है अपनी टीम में रखूंगा। फिलहाल अभी के लिए मैंने एमी जोन्स को लिया हुआ है। और अगर मैं बात करूं बैट सेक्शन में तो देखो यार यहाँ पर एस कैलिस है, अगर बैट फर्स्ट आती है तो ये हमारी टीम में आएंगी, अदरवाइज मैं यहाँ पर स्क्रीविंस के साथ में जा रहा हूँ क्योंकि 83% सिलेक्शन है। इन तीनों में अगर मैं बात करूं बेस्ट कौन सा है तो भाई बेस्ट है ब्रॉनी स्मिथ, लेकिन इसका रिसेंट फॉर्म यार अभी इस सीजन अच्छा नहीं चल रहा है। ऑलराउंडर सेक्शन में अलीशा पेरी, नेटस्केवर ब्रंट, सोफी डिवाइन, हीटर ग्राम, अलीशा गार्डनर, ये हमारी टीम में डायरेक्टली आएंगी पांचों, और इन पांचों को भाई मेरे आप भी जरूर से रखिएगा। अपनी आप स्मॉल लीग की टीम क्रिएट करिए या फिर जो है ग्रैंड लीग की टीम क्रिएट करिए, हर टीम में जो है अलीशा गार्डनर, हीटर ग्राम, सोफी डिवाइन, नेटस्केवर ब्रंट और अलीशा पेरी को रखिएगा। डिफरेंशियल में जाना चाहते हो तो क्रिस्टी जॉर्ड और जो है एस्टन हाउस, इनको जो है अपनी टीम में आप रख सकते हो। अगर मैं बात करूं बॉल में तो अलाना किंग, कैटी लिविक जो हमारी टीम में डायरेक्टली आएंगे, इसके अलावा जो है ई एयरलोड जो कि काफी अच्छा कर रहे हैं तो मैंने इनको लिया है, सी पवेल को अपनी टीम में लिया है। आप यहां पे क्रिस्टी जॉर्ड के साथ में, जॉर्डन के साथ में जा सकते हो, ये भी ठीक ठाक ऑप्शन है, रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है। सीवीसी की अगर मैं बात करूं तो देखो यार लोगों ने अलीशा पेरी को जो है कैप्टनसी दी है और वाइस कैप्टनसी जो है नेटस्केवर ब्रंट को दिया है। हम थोड़ा सा रिस्क लेके यहां पर जो है नेटस्केवर ब्रंट को जो है कैप्टनसी देंगे और अलीशा पेरी को वाइस कैप्टनसी देंगे। आप यहां पे गार्डनर के भी साथ में जा सकते हो, वो भी अच्छी ऑप्शन है। गाइज टीम प्रीव्यू की बात करते हैं, टीम प्रीव्यू में अगर आप देखेंगे बीपीएच के मैंने 6 प्लेयर लिए हैं, 5 प्लेयर मैंने ट्रेंट रॉकेट्स के लिए हैं। कौन कौन से प्लेयर है हमारी टीम में, तो हमारी टीम में जो है एमी जोन्स है, जी स्क्रीविंस है हमारी टीम में, अलीशा पेरी है, नेटस्केवर ब्रंट है, सोफी डिवाइन है, हीटर ग्राम है, अलीशा गार्डनर है, अलाना किंग है, कैटी लेविक है, ई एयरलोट है और यहाँ पे जी पवेली है। देखो आपका जो गेम डिसाइडर होगा ना वो होगी यहाँ पर जो है जी स्क्रीविंस, ब्रॉनी स्मिथ और या फिर जो है तीसरी प्लेयर हमें जो मिलती है वो। दूसरी तरफ रिचा घोष भी आपकी टीम में आ सकती है जो कि एक अच्छा ऑप्शन है, और आप चाहो तो भाई यहाँ पर जो है एक और विकेट कीपर एड कर सकते हो। किसको किसको निकाल सकते हो, तो सी पवेल को जो है आप निकाल सकते हो। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो आप जो है कैटी लेविक या ई एयरलोट में भी जो है नजर मार सकते हो। तो ये हमारी टीम रहने वाली है यहाँ पर बीपीएसडब्ल्यू वर्सेस टीआरटीडब्ल्यू मैच के लिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, ऐसे ही चैनल को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलता हूं आपको अगली वीडियो।